नमस्कार प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी की कृपा से उन्हीं के द्वारा दी हुई स्नान पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे कि सही तरीके से स्नान कैसे करना चाहिए, विज्ञान सम्मत तरीका स्नान करने का क्या है। क्योंकि स्नान यदि गलत तरीके से किया गया तो उससे बहुत सारे शारीरिक हानि होती है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, ब्रेन हैमरेज, पायलाइसिस, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखा जाता है, कई बार माँ स्नान कराती है तो बच्चे डरते हैं, बच्चों के शरीर में कंपन होता है, तो उसके पीछे का कारण भी गलत तरीके से स्नान कराना है। तो कारण क्या है? हमारे शरीर में एक सूक्ष्म विद्युत प्रवाह, ब्लड के खून के निरंतर प्रवाह से उत्पन्न होता है, जो कि मस्तिष्क से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। अगर हम डायरेक्ट सिर में पानी डालते हैं तो हमारे जो सिर में सूक्ष्म जो नलिकाएं हैं जिनके माध्यम से खून प्रवाहित होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं और उनमें रक्त के थक्के जम जाते हैं, जिससे ब्रेन हैमरेज जैसी समस्या हो जाती है। और जब हम सिर में ठंडा पानी डालेंगे तो हमारे हार्ट को अतिरिक्त ब्लड ब्रेन में भेजना पड़ता है, जिससे भी हार्ट में ब्लड की कमी हो जाती है। तो हमें स्नान कैसे करना है? डायरेक्ट सिर में पानी डालना बहुत ही घातक है, इसलिए स्नान करेंगे बैठ करके। बैठेंगे, बैठने के बाद एक लोटा पानी डालेंगे नाभि में, नाभि के नीचे का पोर्शन को पहले ठंडा कर लेंगे और उसके बाद पीछे कमर में पानी डालेंगे एक लोटा, और उसके बाद पीछे ब्रह्म रंध्र, पीछे से ब्रह्म तालु से इस प्रकार से पानी डालेंगे कि पीछे जो रीढ़ की हड्डी की नाली गई है उस होते हुए पानी नीचे की ओर आए। इससे क्या होगा? मस्तिष्क के नीचे का भाग हमारा पूरा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम सिर से पानी डाल के आराम से स्नान कर सकते हैं। पूरा स्नान करने के बाद भीगे हुए शरीर में हम कोई भी प्रकाशमान वस्तु के सामने थोड़ी देर खड़े होंगे, आधा मिनट, एक मिनट। सूर्य का प्रकाश हो, या यदि सूर्य के प्रकाश में स्नान कर रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश के सामने खड़े होंगे। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं है, कोई मोमबत्ती है, दीपक है, बल्ब है, कोई भी प्रकाश हो, उसके सामने थोड़ी देर खड़े होंगे। उससे जो प्रकाश तरंगे निकलती हैं हमारे भीगे हुए शरीर को मिलती हैं, जिससे हमारे शरीर को बहुत फायदा होता है। और उसके बाद शरीर को पोंछ के या पास में कोई पौधा है तो भीगे हुए शरीर में भी दे सकते हैं। एक लोटा जल किसी पौधे को देना है, इससे उस पौधे की सेवा हो जाएगी। और स्नान कब नहीं करना है यह भी जानना जरूरी है। स्नान मध्य रात्रि में 12 बजे के 45 मिनट पहले और रात 12 बजे के 45 मिनट बाद स्नान कभी भी नहीं करना है, वह हमारे शरीर के लिए काफी घातक होता है। और अतिरिक्त ठंड में, वैसे तो हमेशा नॉर्मल पानी से स्नान करना चाहिए, गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ज्यादा ठंड है, ठंडे पानी से स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पानी को थोड़ा सा हल्का गर्म कर सकते हैं। ज्यादा गर्म नहीं करना है, ज्यादा गर्म फिर नुकसान करेगा। हल्का गर्म कर सकते हैं। और जो व्यक्ति बीमार हैं, जो ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हैं, वह भी धूप का गर्म किया हुआ पानी है तो भी अच्छा है,
या ऐसे भी गीजर या किसी चीज से गर्म किया हुआ पानी से स्नान कर सकते हैं, लेकिन वो भी हल्का गर्म पानी होगा। और अच्छा है, सबसे अच्छा है कि ताजे पानी से, जो कि नेचुरल पानी होता है, उससे स्नान करें, सबसे अच्छा है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले बार हम चर्चा करेंगे पितृयज्ञ की, कि स्नान करने के बाद पितृयज्ञ कैसे करना चाहिए। नमस्कार।